वाक जो है वो परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर का वचन जब आपके मुंह से निकलेगा तो वो सही साबित होगा, और वो तभी सही साबित होगा जब आपने आग का बपतिस्मा लिया होगा। और आग का बपतिस्मा कब मिलेगा? जब आपका पानी का बपतिस्मा सही होगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं बपतिस्मे के बारे में। पिछले संदेश में हमने पानी के बपतिस्मे के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में, आग के बपतिस्मे के बारे में और मृत्यु के बपतिस्मे के बारे में कि आखिर यह है क्या। इसके बारे में हम एक एक करके सीखेंगे और जानेंगे कि यह बपतिस्मा भी हमारे लिए क्यों जरूरी है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मे के बारे में अगर आप पढ़ना चाहेंगे, मती 3:11, लूका 3:16, प्रेरितों के काम 1:5, मरकुस 1:8, यूहन्ना 1:33 में इन पदों में जो है पवित्र आत्मा के बारे में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में जो है वो बताया गया है और सिखाया गया है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है वो मिलेगा और देने वाला कौन होगा? प्रभु यीशु मसीह। ये ध्यान रखिएगा, कोई और बपतिस्मा नहीं दे सकता, कोई इंसान नहीं दे सकता है, देने वाला जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रेरितों के काम 11:10 के 16वें पद में लिखा हुआ है, तब मुझे प्रभु का यह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जब लोगों ने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। क्यों? देखे, पवित्र आत्मा उन्हीं के ऊपर उतरेगा जिन्होंने सही माने में मन फिराकर अपने पापों से तौबा करकर अपने आप को सच्चे परमेश्वर के हाथ में सौंपकर प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में आकर आए हैं, तभी वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है, नहीं तो ऐसे किसी के ऊपर नहीं उतरता है। ये ध्यान रखिए। और पत्रस प्रभु के वचन को याद करता है और वो बताता है कि क्या उसको याद आया, प्रभु ने कब उससे ये कहा था। आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 1:5 उसके 5 पद में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले ये बातें जो हैं अपने चेलों से कही थी कि तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है तुम पाओगे। और उन्होंने जो है पेंतिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो उन्होंने जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो पाया। और जो लोग भी बपतिस्मा लेते हैं सही माने में, जिस तरीके से पानी का बपतिस्मा लिया, तो वो पवित्र आत्मा दान के रूप में उतरने का मतलब कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपका हो रहा है और वो प्रभु की ओर से होता है। क्या है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? बड़ा ध्यान देने की बात है। यहां लिखा है पवित्र आत्मा का उतरना मतलब है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करना। अगर पवित्र आत्मा का आपके ऊपर उतरा है तो आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त किया है। पवित्र आत्मा के गुणों से आप भरे हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों से आप भरे हैं, पवित्र आत्मा के हथियारों से आप लैस हो गए हैं। ये ध्यान करने की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि यह है। हम कैसे जान सकते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिला है या नहीं? मती 12 और उसके 33 पद में लिखा, जरा ध्यान दीजिएगा, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। ध्यान करिएगा बिल्कुल साफ चीजों में। अगर आपको आपको कैसे पता कि यह आम का पेड़ है? क्योंकि उसमें आम लगे हैं। ये नींबू का पेड़ है क्योंकि उसमें नींबू लगे हैं। ये अमरूद का पेड़ है क्योंकि उसे अमरूद देखकर आप कह रहे हो ये अमरूद का पेड़ है। हैं? तो ऐसे पेड़ जो है अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर आप कह रहे हैं ये फल अच्छा नहीं है तो इसका मतलब पेड़ अच्छा नहीं है, जिसमें फल अच्छे नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हम भी, हमें पवित्र आत्मा मिला या नहीं मिला, पवित्र आत्मा के फलों से पहचाने जाते हैं कि पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर हैं या नहीं। जब आप गलतियों 5:22 उसका 22-23 पद पढ़ेंगे तो वहां पवित्र आत्मा के 9 फलों के बारे में, कौन से फल होने चाहिए? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये चीजें जो हैं, देखिए ये चीजें हमारे अंदर हैं तो वो दिखाई देनी चाहिए। प्रेम दिखाई देना चाहिए। वो कहता है अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, मगर शत्रुओं से प्रेम करने की बात ही नहीं रहती है।
मेल मिलाप करो, परमेश्वर का वचन कहता है, धीरज धरो, बहुत सी चीजें हैं। तो ये फल जो है पवित्र आत्मा के, ये गुण जो है ये हमारे अंदर से प्रकट होने चाहिए। अगर ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमने बत्तीसवां जो है पानी का ही बत्तीसवां ठीक से नहीं लिया। तभी तो हमें पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला, तभी तो हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा बत्तीसवां जो है वो नहीं हुआ है। यहाँ परमेश्वर का वचन जो है ये बताता है पवित्र आत्मा के बत्तीसवें का अर्थ क्या, जरा ध्यान करें। हमें हमारे पापों से प्रभु ने क्षमा दी। दूसरा है, हमें प्रभु ने पवित्र आत्मा का बत्तीसवां देकर यह प्रमाणित किया है कि प्रभु ने हमें अपने लिए और अपने कामों के लिए शुद्ध और पवित्र किया है। फिर है तीसरा, पवित्र आत्मा का बत्तीसवां यह प्रमाणित करता है कि प्रभु की ओर से हमें, हम अनंत जीवन के भागीदार हो गए हैं। चौथा है, पवित्र आत्मा का बत्तीसवां यह प्रमाणित करता है कि हम परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। पहला कुरंतियों 3:16-17, पहला कुरंतियों 6:19 में आप पढ़ सकते हैं। यह है पवित्र आत्मा के बत्तीसवें की बात, कि पवित्र आत्मा का बत्तीसवां जो जिसको मिला है या जिसका पवित्र आत्मा का बत्तीसवां हुआ है उसका जीवन जो है इस तरीके से है। अब हम बात करते हैं आग के बत्तीसवें के बारे में, यानी तीसरे बत्तीसवें के बारे में। मत्ती 3:11 और लूका 3:16 में जो है इन पदों में लिखा हुआ है कि मैं पवित्र आत्मा और आग से तुम्हें बत्तीसवां दूंगा। कि ये आग का बत्तीसवां है क्या, पहले हम ये समझ लें कि पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रकट करता है। आग जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ को जो है वो प्रकट करता है। आग के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, परमेश्वर की आग, यहोवा के क्रोध की आग, परमेश्वर जो है भस्म करने वाली आग है। परंतु हम ये सब आग की बात जो है वो हम कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा के बत्तीसवें के लेने के बाद जो हमें आग प्राप्त होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जब पवित्र आत्मा का बत्तीसवां होता है तो वो आग जो प्राप्त होती है, जो परमेश्वर या पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रकट करता है। पहले हम समझ लें आग क्या है। यिर्मयाह 23:29 में लिखा हुआ है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। देखिए हम सिर्फ आग की बात करें, यानी परमेश्वर का वचन क्या है, आग। फिर परमेश्वर जो है, यानी बत्तीसवां, जब पवित्र आत्मा का बत्तीसवां होता है और आग हम पर उतरती है तो हम आग से जब भर जाते हैं, यानी परमेश्वर के वचन से भर जाते हैं। देखिए पतरस और जो भी चेले थे पहले वो वचन को समझ नहीं पाते थे, यीशु मसीह से आकर पूछते इस दृष्टांत का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये हमें बता, ये हमें बता, ये सिखा, बहुत कुछ सीखते हैं। परंतु जब वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और परमेश्वर का वो फिर आग से परिपूर्ण हो जाते हैं, यानी परमेश्वर की उस आग से, यानी उस वचन से भर जाते हैं, तभी तो पतरस खड़े होकर जो है परमेश्वर के वचन से प्रचार कर रहा है। और जिसके अंदर परमेश्वर की आग होगी, वचन की आग होगी, और जब वो प्रचार करेगा तो लिखा हुआ है कि उनके हृदय छिद गए, कायल हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो समझते हैं वचन को, उन्हीं के हृदय कायल होते हैं, हर एक के नहीं होते हैं। जो नुक्ता चीनी के लिए, अच्छा हाँ चलो ये वीडियो देखते, जरा देखें पादरी साहब क्या सुना रहे हैं, हाँ अच्छा कमेंट करेंगे लोगों क्यों नुक्ता चीनी करते हैं, नहीं पादरी साहब आपने ये चीज गलत बोली, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए। देखो हम इनसे ज्यादा जानते हैं, हम इनसे ज्यादा समझदार हैं। तो भैया आप अपनी समझदारी अपने पास रखें, पवित्र आत्मा जो सिखा रहा है उसको सीखें, जो कहता है परमेश्वर का वचन कहता है। और फिर क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम 2:3-4 पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, और उन्हें आग की सी जीवे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार, अब ध्यान दीजिएगा, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषाएं बोलने लगे। अब यहां पर जो है अन्य भाषाएं बोलने का भी अलग ही है। अब यहां पर आग ने उनके ऊपर आकर उन्हें बोलने की सामर्थ्य थी, वो चेले जो ये समझ नहीं पा रहे थे, यीशु मसीह से आकर बार बार चीजें पूछते थे, अब वो खुद उस आग से, उस वचन से भर गए हैं और वो बहुत सी बातें जो हैं बोलने लगे। और पतरस जो है खड़े होकर परमेश्वर की जो है बातें सुनाने लगा। और वहां पर जब आप प्रेरितों के काम 2 पढ़ेंगे तो वहां पर 17-18 भाषाओं के लोग खड़े हैं और हर एक लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या सब गलीली नहीं, यानी सब गलीली का मतलब क्या ये सब एक भाषा के लोग नहीं है, फिर हम लोग सब अपनी अपनी भाषा में
कैसे परमेश्वर का वचन इनके मुख से सुन रहे हैं। इन्हें तो हमारी भाषा आती नहीं है, ये तो हमारी भाषा जानते नहीं है। जो अन्य भाषाएं थी वो चेलों के मुख से निकल रही थी और उन अन्य भाषाओं के द्वारा लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, परंतु आज जो अन्य भाषा बोली जाती है उसका कोई अर्थ ही नहीं होता, कोई समझता ही नहीं है, बोलने वाला खुद ही नहीं समझता, दो चार शब्द होते हैं बस। मगर भाषा का मतलब क्या होता है, आप अपनी पूरी बात, चाहे एक घंटे की हो, दो घंटे की हो, चार घंटे की हो, पूरे दिन की, चाहे वो कोई सा भी विषय हो, सांसारिक विषय हो, आत्मिक विषय हो, या खाने पीने का विषय हो, या कंपनियों का विषय हो, या किसी के रहन सहन का विषय हो, या किसी भी चीज का विषय हो, हर विषय पे आप बात करेंगे, वो होती है भाषा जिस विषय पे आप बात करते हैं, किसी भी विषय में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी वगैरह सा, ये भाषा है। तो वहां पर भी उन्हीं भाषाओं के लोग, जो उस समय भाषाएं थी उन भाषाओं के लोग खड़े हैं, और परमेश्वर के जो लोग थे, जो चेले थे, वो परमेश्वर के उन्हीं लोगों की भाषाओं में परमेश्वर का वचन उन्हें सुना रहे थे, वो परमेश्वर के वचन से भर गए थे, आग से भर गए थे। फिर यहां क्या लिखा हुआ है इसे समझें, कैसे समझेंगे, यूहन्ना 16 उसका 13-15 तक जब आप पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा, यहां पर मैं मुख्य बातें आपको बताऊंगा। वहां लिखा है कि जब सत का आत्मा आएगा, ठीक है, तो लिखा वो अपनी ओर से नहीं कहेगा। जब आप पढ़ेंगे ना यूहन्ना 16:13-15 तक, कि जब सत का आत्मा आएगा तो वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ वो सुनेगा वो ही कहेगा। पवित्र आत्मा अपनी ओर से नहीं कहता कुछ भी, पवित्र आत्मा जो कुछ भी यीशु मसीह से सुनता है वही बात कहता है। ये ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन कहता है कि सत का आत्मा आएगा, और सत का आत्मा जब आया, यहाँ प्रेरितों के काम 4:31 में लिखा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर का वचन याब से सुनाने लगे। याब से सुनाने का मतलब मगर निडर होकर सुनाने लगे, बिल्कुल निडरता पूर्वक जो है परमेश्वर का वचन सुनाने लगे, चाहे उसके लिए उनको मर जाना पड़े, चाहे तुम मार दो, काट दो, कुछ भी करो, हम तो यही सुनाएंगे। क्योंकि अब जो है पानी का तो बत्तीसवां उनका हो गया, उनका पवित्र आत्मा से भी बत्तीसवां हो गया, और अब उनका आग का भी बत्तीसवां हो गया, वो आग से परिपूर्ण हो चुके हैं, यानी परमेश्वर के वचन से जो है परिपूर्ण हो चुके हैं। प्रेरितों के काम 16:6 में लिखा है, पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से रोका। पवित्र आत्मा जो है वो गाइड करता है। जी हाँ, पवित्र आत्मा को पता है कि तुम्हें कहाँ वचन सुनाना है, कहाँ नहीं, आपको क्या वचन सुनाना है, क्या नहीं। आप लोग हर वीकली जो है बहुत से सेवक सरमन तैयार करते हैं, आपको क्या वचन सुनाना क्या नहीं, ये पवित्र आत्मा गाइड करता है कि क्या वचन होना चाहिए क्या नहीं। तो वचन जो है वो परमेश्वर की आंख से जो है वो भर गए हैं। 1 कुरिन्थियों 2:4 में लिखा, पौलुस कहता है कि मेरे वचन और प्रचार में लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा की सामर्थ का प्रमाण होता है। जी हाँ, ये ध्यान रखें कि हम जो परमेश्वर ने जो वचन हमारे मुंह में डाला है, हमारे अंदर डाला है, जो आग उसने भरी है, यानी वचन रूपी आग जो भरी है, वो लुभाने वाली नहीं होनी चाहिए। किसी को क्या कहते हैं, लुभाने की बात नहीं होनी चाहिए, पक्षपात वाली बात नहीं, भाई ये बहुत बढ़िया है, ये परमेश्वर के वचन को ये करता वो करता, ऐसा नहीं। हमारी बात जो है परमेश्वर के वचन से हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जरा ध्यान करें क्यों कह रहा हूं इस बात को। यिर्मयाह 5:14 में लिखा है, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। जी हां, क्या लिखा हुआ है, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग, यानी जब आप प्रकाशित वाक्य 11:5 पढ़ेंगे तो लिखा है कि जो परमेश्वर के दो गवाह उनके मुंह से आग निकलकर उनको उनके बैरियों को क्या करेगी, भस्म करेगी। ये मुंह से आग निकल, मुंह से आग निकलने का मतलब क्या होता है, मुंह से सही माने में आग नहीं, वो कोई दानव नहीं है, राक्षस नहीं है जो मुंह से आग निकल रही। आपने वो कहानियों में पढ़ा होगा कि बड़े बड़े दानव होते थे, उनके मुंह से आग निकलती थी और लोग डर जाते थे, भस्म होते थे, ये सब काल्पनिक कहानियां हैं, ये कहानी नहीं। वो आग जो है वो परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर का वचन जब आपके मुंह से निकलेगा तो वो सही साबित होगा, और वो तभी सही साबित होगा जब आपने आग का बत्तीसवां लिया होगा। और आग का बत्तीसवां कब मिलेगा, जब आपका पानी का बत्तीसवां सही होगा, मन फिराया होगा, पापों से क्षमा मांगी होगी, तो पवित्र आत्मा का दान मिला होगा, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे होंगे, फलों से भरे होंगे, हथियारों से भरे होंगे, तो आग की यानी पवित्र आत्मा की जो आग है यानी वचन की सामर्थ्य से आप भरे होंगे। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को दिखाता है, मेरे
प्यारे भाइयों बहनों, तो याद रखिए आग का बपतिस्मा जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो भी जरूरी है हमारे लिए। अब आते हैं मृत्यु का बपतिस्मा। जी हाँ, लूका 12 का 50 पढ़ेंगे, मरकुस 10 का 38 से 39 तक पढ़ेंगे, तो वहां लिखा हुआ है मृत्यु का बपतिस्मा। यहाँ यीशु मसीह जो है वो अपने चेलों से कहता है कि जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या तुम लोगे? तो वो कहते हैं हाँ, वो कहता है हाँ तुम भी लोगे। तो वहां पर वो बपतिस्मा लेने का मतलब है कि जो कष्ट, जो प्रताड़नाएं, जो दुख, जो तकलीफ मैं सहन करूंगा और सहन करते करते उस पीड़ा को सहन करते हुए मरूंगा, मर जाऊंगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, क्या तुम लोगे? बोले हाँ हम लेंगे। तो यीशु मसीह कहता हाँ तुम लोगे वो बपतिस्मा भी, वो बपतिस्मा जो है तुम लोगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चेले भी जितने थे उन्होंने भी बहुत सी यातनाएं, बहुत सी पीड़ाएं सही हैं। पतरस को भी सूली पे लटकाया गया था, मगर पतरस कहता है कि मैं सियोग नहीं हूं कि सीधी सूली पे लटकूं, मुझे उल्टा लटकाया जाए। तो उसे उल्टा सूली पे लटकाया गया था। उसने भी वो जैसे यीशु मसीह ने मृत्यु का बपतिस्मा लिया, हमारे और आपके पापों के खातिर वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसने उस मृत्यु को ग्रहण करा, यानी उस मृत्यु के बपतिस्मे को लिया, यानी वो मर गया, दफन हो गया, लोप हो गया इस दुनिया से। ऐसे ही चेले भी इस दुनिया से लोप हो गए, परंतु आज यीशु मसीह जैसे जीवित है, आज वो चेले भी वैसे ही जीवित है, क्योंकि वो जी उठे। हमें भी जो है वो मरना है, और कैसे? लिखा हुआ है ना, पहला थसलुनीकियों 4:16 पद जब आप पढ़ेंगे, मैं मेन चीज पढ़ रहा हूं, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। क्या लिखा हुआ? जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। क्यों? क्योंकि हमने मसीह में मरना ही मृत्यु को लेना। मसीह में मरने का मतलब दुख और तकलीफ उठाकर आप ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, आप लक्सरी जीवन जी रहे हैं, मोटर गाड़ी वगैरह। यीशु मसीह के लिए क्या दुख उठा रहे हैं? या यीशु मसीह के लिए क्या दुख सहन कर रहे हैं? यीशु मसीह के लिए दुख उठाना है, उसके लिए मरना है। और जब हम यीशु मसीह में होकर मरते हैं, और तो इसका मतलब हमने मृत्यु का बपतिस्मा हमारा हुआ है और हम यीशु मसीह में जी उठते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है? इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लास्ट पद पढ़ाना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य 14:13 उसके 13वें पद में लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। क्यों लिखा हुआ है? प्रभु में तो पहले भी मरे, पहले धन्य क्यों नहीं हुए? अब क्यों? अब से जो मरते हैं, यानी बपतिस्मे का आरंभ जब से हुआ है पानी के द्वारा, और वैसा जो सिस्टम चला रहा, उस सिस्टम में जो होते हैं, जो भी आप प्रभु में मर रहे हैं, जो भी लोग, वो धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि उन्होंने भी कष्ट उठाकर, जो है परेशानी उठाकर, प्रभु में, जैसे प्रभु ने मृत्यु का बपतिस्मा लिया, ऐसे उन्होंने भी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस मृत्यु के बपतिस्मे को भी प्राप्त करें, यानी प्रभु में दुख उठाकर, पीड़ाओं को सहन करते हुए प्रभु में होकर मरें, भटके नहीं। जब हम प्रभु में होकर मरेंगे तो हम जीवित होंगे, और हमारा प्रभु जब आवाज देगा तो हम पहले जी उठेंगे जो प्रभु में पहले मरे, क्योंकि हमारा मृत्यु का बपतिस्मा। तो ये मृत्यु का बपतिस्मा भी लेना हमारे लिए बहुत जरूरी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने देखा पानी का बपतिस्मा, देखा आपने, आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देखा, आपने आग के बपतिस्मे के बारे में सुना, आपने मृत्यु के बपतिस्मे के बारे में सुना। ये सारे बपतिस्मे के बारे में रियल और इसी तरीके से बपतिस्मा जरूरी है। अब जो हमारा चौथा जो संदेश होगा वो अभी नहीं होगा, थोड़ा रुक के होगा, इसलिए आप इंतज़ार कीजिएगा कि बच्चे के बपतिस्मे के बारे में और किस नाम से बपतिस्मा लेना है उसके विषय में आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।